द डील यह एक कोरियन सीरियल किलिंग मूवी है। इस मूवी को एक बार आप देखना शुरू करेंगे तो इसे पूरा देखे बिना नहीं रुकेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन पे यह फिल्म बनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। बरसात की रात एक लड़की स्टोर से कुछ चीजें खरीद के अपनी घर की ओर चल पड़ती है। रास्ता सुनसान है, तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़ के देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। अब हमें एक अनजान शख्स उसका पीछा करते हुए दिखाई देता है। लड़की अपने चलने का स्पीड बढ़ाती है और सामने अपना घर देख के राहत की सांस लेती है कि तभी वह अनजान शख्स पीछे से उसके सर पे कोई चीज मार के उसे घायल करता है और दूसरे वार में उसे मार डालता है। वह उसकी बॉडी को साथ में लेके जाता है। अब न्यूज़पेपर से हमें पता चलता है कि इसी तरह शहर में कई लड़कियां लापता हुई है। पुलिस इन केस को सीरियल किलिंग की नजर से देख रही है। महीने गुजरने के बाद भी पुलिस इस किलर को पकड़ने में नाकामयाब रही है। पुलिस को शक है कि किलर ने अब तक 7 लड़कियों का मर्डर किया है। और इसी में एक खबर आती है कि इस तरह से बेखौफ मर्डर करने की वजह यह भी है कि कोरियन गवर्नमेंट ने डेथ पेनल्टी पे प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस सीरियल किलिंग को लेके पब्लिक प्रोसिक्यूटर चीफ चोई को फोन पे फोन कर रहे हैं। मीडिया भी पुलिस के काम पे सवाल उठा रही है, मगर पुलिस ऑफिसर्स रिलैक्स है, जिसकी वजह से चोई उन पर भड़के हुए है, खास करके डिटेक्टिव सैंग पे, क्योंकि सैंग उनके डिपार्टमेंट का एक ब्रिलियंट और मेहनती ऑफिसर है। अब चीफ से डांट खाके सैंग अपने पार्टनर किसॉक के साथ इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता तो है, मगर शुरुआत कहां से करे यह उसके समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि किलर ने कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा। फोरेंसिक वालों ने भी हाथ ऊपर उठा लिए है। हुन एक बैंक में अकाउंट ऑफिसर है। आज सैटरडे है, उसे जल्दी घर जाने की पड़ी है, मगर उसकी बॉस गुस्से में है। हुन स्वभाव का बहुत अच्छा है, तो अब उसका कलीग ऑफिस आवर के बाद अपना काम उस पर छोड़ के घर चला जाता है। हुन अपनी वाइफ सुयुंग को फोन करता है, जो गायनेक के पास चेकिंग के लिए आई है। सुयुंग ने रात को अपने भाई को खाने पे बुलाया है, तो वह चाहती है कि हुन जल्दी घर आए। हुन उससे प्रॉमिस करता है कि एक घंटे के अंदर वो काम खत्म करके घर आएगा। सुयुंग उससे कहती है कि हुन के लिए उसके पास एक गुड न्यूज है, जो वह उसे घर आने के बाद ही बताएगी। अब सुयुंग क्लिनिक से घर जाने निकलती है कि तभी वह किलर पीछे से उस पर हमला करता है और उसे वैन में डाल के अपने साथ लेके जाता है। किलर ड्राइव कर रहा होता है तो सुयुंग पिछली सीट पे घायल अवस्था में पड़ी होती है, और तभी सुयुंग का फोन बजता है, जो हुन ने किया होता है। किलर फोन उठा के विंडो के बाहर फेंक देता है कि तभी उसका रास्ते पे से ध्यान हट जाता है और वह सामने जा रही गाड़ी को टक्कर मारता है। सामने की गाड़ी का ड्राइवर गुस्से से बाहर आता है, मगर किलर वहां से भाग जाता है। वह हिट एंड रन की खबर सैंग को पुलिस रेडियो से मिलती है और उसका इनर सेंस उसे कुछ कहता है, तो वह उस स्पॉट की ओर निकल पड़ता है। यहाँ किलर एक पहाड़ी पे वैन को रुकाता है और उसमें से अधमरी सुयुंग को बाहर निकालता है और घिसीटते हुए एक जगह पे लेके जाके उसे मार डालता है। यहाँ एक्सीडेंट वाले स्पॉट पे सैंग पहुंचता है। सैंग को समझ में नहीं आता कि इतने छोटे एक्सीडेंट से घबर के वैन वाला भागा क्यों। तभी उसे रस्ते के किनारे पे पड़ा मोबाइल दिखाई देता है, जो देख के उसे पता चलता है कि वो मोबाइल किसी लड़की का है। अब फिर से सैंग का इनर सेंस उससे कुछ कहता है, तो वह उस ड्राइवर ने बताई हुई दिशा में डायमो पहाड़ी की ओर कार लेके निकलता है। यहाँ वह पर्वत किलर अपने शिकार को मार के खुश होता है। अब सैंग पहाड़ी पे आके छानबीन करता है। इतनी बारिश में ऐसे वक्त वो वैन वाला यहाँ क्या कर रहा था, इस बात पे सैंग को शक होता है। वैन के टायर के जाने के निशान है, मगर वापस आने के नहीं, तो सैंग दूसरे रास्ते से जाके उस वैन को कैच करने की सोचता है। उसे सिग्नल पे वो वैन दिखाई देती है, जिसके टायर पे कीचड़ लगा हुआ है। ड्राइविंग सीट पे वही किलर होता है। सैंग उसे बाहर आने को कहता है। किलर एक बार भागने की सोचता है, मगर किसॉक अपनी कार से उसका रास्ता रोक लेता है। सैंग वैन को अंदर से चेक करता है तो उसे पिछली सीट पे किसी के बाल मिलते हैं, जिस पर खून लगा हुआ है। उसका शक यकीन में बदल जाता है। वह उस किलर को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके आता है। अब फोरेंसिक वाले उस किलर की वैन को चेक करते हैं तो उन्हें उस वैन में अल्ट्रावायलेट लाइट के जरिए बड़ी मात्रा में खून के धब्बे दिखाई देते हैं। सैंग की तो लॉटरी लग जाती है। मोस्ट वांटेड किलर किस्मत से उसके हाथ लगा होता है। चीफ चोई सैंग पे बहुत खुश होते हैं। सैंग इसका क्रेडिट अपने इनर सेंस को देता है। यहाँ रात को हुन घर पे आता है तो उसे पता चलता है कि सुयुंग अभी तक घर नहीं आई, तो वह अपने साले को यानी सैंग को फोन करता है। सैंग अपनी अचीवमेंट में इतना खोया हुआ है तो वह उसे कॉल बैक करने का प्रॉमिस करके फोन कट करता है, मगर अगले ही पल अपने असिस्टेंट से उसे पता चलता है कि उसे रास्ते में मिला हुआ फोन उसकी छोटी बहन सुयुंग का है, तो वह शॉक हो जाता है। तो अब वह सेल में जाके किलर यानी चियोन को मारपीट करके अपनी सिस्टर के बारे में पूछता है,
मगर चियोन हंसते हुए उसे एक ही बात कहता है, अपनी बहन को खुद ही ढूंढ लो। अब सैंग सुयुंग के घर भागता है क्योंकि अभी भी उसे आशा है कि उसकी बहन जिंदा होगी। तो वह सुयुंग के बेड पे पड़े उसके बाल के सैंपल लेके फोरेंसिक लैब में देता है, जो सैंग को वैन में मिले हुए बाल से मैच हो जाते हैं। अपनी पत्नी की मौत की खबर सुन के हुन अंदर से टूट जाता है। उसे याद आता है कि सुयुंग उसे एक खुशखबरी देने वाली थी। वह ड्रॉवर खोलता है तो उसे वहाँ पड़ी प्रेगनेंसी की स्ट्रिप दिखाई देती है, जिससे उसे पता चलता है कि सुयुंग प्रेग्नेंट थी। अब पुलिस बड़े लेवल पे पहाड़ी पे खोज शुरू करती है। उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, मगर चियोन के घर के लॉन में दफन की हुई 3 लड़कियों की लाशें मिलती है। पुलिस जान जाती है कि चियोन ने अब तक 10 लड़कियों को मारा है, मगर चियोन कोऑपरेट करने को तैयार नहीं। वह नहीं बताना चाहता कि उसने बाकी लड़कियों की लाशों को कहाँ दफन किया है। सैंग भी जानना चाहता है कि चियोन ने उसकी बहन को मार के कहाँ गाड़ दिया है, और इसीलिए वो चियोन के सामने गिड़गिड़ाता है, मगर चियोन उसे नहीं बताता। वह उससे एक ही बात कहता है, खुद ढूंढ लो। सैंग उस पर गन तान देता है, मगर चियोन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका है। चियोन के मर्डर को लेके जनता में असंतोष फैला हुआ है। पुलिस क्राइम स्पॉट पे चियोन को ले जाके उससे डेमोन्स्ट्रेशन करवाती है, मगर वह कोऑपरेट करने को तैयार नहीं। कि तभी भीड़ में से हुन हाथ में चाकू लेके चियोन को मारने दौड़ता है, मगर एक पुलिस अलर्ट होके उसे रोकता है। सुयुंग की लाश को ना खोज पाने की वजह से सैंग कामयाब होके भी नाकामयाब रह जाता है। अब चियोन का केस अदालत में शुरू होता है। उसे 3 मर्डर का दोषी पाकर डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सजा होती है। यहाँ हुन भी सुसाइड करने की नाकामयाब कोशिश करता है। इन सब वाकयात के बाद एक रात सैंग हुन के घर खाना खाने आता है। हुन अपने हाथ से सैंग के लिए क्रैप सूप बनाता है, जो उस दिन सुयुंग उसके लिए बनाने वाली थी। हुन सैंग से कहता है कि आज के बाद वो दोनों कभी नहीं मिलेंगे। सैंग उसके फीलिंग की रिस्पेक्ट करके उसका कहना मानता है। कोरिया में डेथ पेनल्टी को लेके अब तक कोई लॉ पास नहीं हुआ है, तो चियोन की फांसी 3 साल बाद भी पेंडिंग है। तो सैंग जेल में जाके उससे मिलता रहता है, क्योंकि वह अभी भी जानना चाहता है कि उसकी छोटी बहन की लाश कहाँ दफन की गई है। मगर चियोन हैवानियत भरी स्माइल देके जवाब देना हर बार टाल देता है। सैंग के पार्टनर किसोक को भी इसी बात का दुख है कि एक हैवान दोषी पाने के बाद भी इतने साल से जिंदा है। इस दुख को सैंग ने शराब में डुबो दिया है। ऐसे में एक रात उसे पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि एक मॉबस्टर डॉन होई का मर्डर हुआ है। उसे एक होटल में चाकू से मारा गया है, मगर मर्डरर ने मास्क पहना था तो उसकी पहचान नहीं हो पाती। होई डीएस सिंडिकेट का बॉस होता है, जो मॉबस्टर ग्रुप है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि होई के पहले शॉन उस गैंग का डॉन था, जिसे 5 साल पहले 6 लोगों के मर्डर के जुर्म में डेथ पेनल्टी हुई है। होई के मर्डर के बाद अब डीएस गैंग का डॉन शैबी नाम का शख्स हुआ है, तो पुलिस को उस पर शक है, क्योंकि होई के मर्डर से उसे ही फायदा हुआ है। अब चूंकि सैंग इस शैबी को पहचानता है, तो यह केस सैंग पे सौंपा जाता है। सैंग शैबी से बात करता है तो वह साफ मना करता है कि उसने होई को मारा है। वह सैंग से कहता है कि वह ऐसा काम क्यों करेगा जिसका सीधा शक उस पर हो। सैंग शॉन को जेल में जाके मिलता है। पिछले 5 साल से शॉन को जेल में मिलने कोई नहीं आया। सैंग उसे होई के मर्डर की खबर देता है, जो सुनके शॉन बिल्कुल शॉक नहीं होता। उसकी बातों से मानो ऐसा लगता है कि होई के मर्डर से वो खुश है। शॉन को उसी जेल में रखा गया है जहाँ चियोन को रखा है। तो जाते जाते सैंग चियोन से मिलना चाहता है, मगर जेल सुपरिटेंडेंट उसे मना करते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते ही चियोन ने एक कैदी का कान चबा के तोड़ दिया था, तो उसे काल कोठरी में डाला गया है। सुपरिटेंडेंट भी गवर्नमेंट को गाली देता है कि फांसी मिलने के बाद भी यह कैदी उसका सरदर्द बन के बैठे हुए है। यहाँ चियोन ने जेल में भी अपनी दहशत बनाए रखी है। अब सैंग शॉन के एक पुराने आदमी से मिलने जाता है, जो शॉन के उन मर्डर का एक्यूज था और पुलिस का इन्फॉर्मर भी था, जिससे सैंग को पता चलता है कि होई और शैबी दोनों ने मिलके शॉन के साथ गद्दारी की है और उसे कानून के शिकंजे में फंसाया है। इसलिए हो ना हो, होई के मर्डर के पीछे शॉन का हाथ हो सकता है। चीफ से सैंग को पता चलता है कि शॉन के खिलाफ सारे सबूत होई ने ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दिए थे, और यह बात इतनी सीक्रेटली हुई थी कि शॉन तक को पता नहीं चला था कि उसके जेल जाने के पीछे होई का हाथ है। तो यह बात जेल में शॉन को कैसे पता चली, और जो शख्स पिछले 5 साल से जेल में है और इन सालों में उससे कोई मिलने नहीं आया, तो वह जेल में रह के होई को मारने का प्लान कैसे एग्जीक्यूट कर सकता है। सैंग छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि इन 5 सालों में शॉन सिर्फ 3 दिन के लिए जेल से बाहर आया था, जब उसकी माँ की शोक सभा थी। सैंग अब उस शोक सभा की सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे एक शख्स शॉन से बातें करते हुए दिखाई देता है। सैंग वीडियो को जूम करता है तो उस शख्स को देख के वो शॉक होता है। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि हुन होता है, उसकी बहन सुयुंग का हस्बैंड। अब सैंग हुन के घर जाता है, जो 3 साल से वीरान पड़ा है। किसी के आने की आहट सुन के सैंग छुपता है, मगर उस अनजान शख्स को भी शक होता है
और वह बाहर से ही भागने की कोशिश करता है। सैंग उसका पीछा करता है और एक डेड एंड पे वो उसके सामने आता है। वह शख्स हुन होता है। हुन को देख के सैंग इमोशनल होता है। उसे समझ में नहीं आता कि हुन के दिमाग में क्या चल रहा है, मगर वो समझ जाता है कि होई का मर्डर हुन ने ही किया है। मौका देख के हुन वहां से भाग जाता है। सैंग हुन के घर के अंदर आता है तो उसे चियोन के न्यूज की पेपर कटिंग मिलती है और डेस्क पे चाकू से कार्व किया होता है, चियोन को मरना होगा। अब हुन के इस हरकत के पीछे की वजह हमें पता चलती है। चियोन की डेथ पेनल्टी पे रोक लगने की वजह से हुन फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसने प्लान किया कि जो काम कानून नहीं कर सकता वह काम वह करेगा। तो वह अपने आप को स्ट्रांग बनाने में लग गया, क्योंकि जो प्लान उसके दिमाग में था वह काफी डेंजर था। उसने ठान लिया था उसे किसी भी हालत में उसके वाइफ की खूनी को मारना है। अब सैंग को हुन के इरादों का पता चलता है। उसे पता चलता है कि हुन का अगला शिकार शैबी है, तो सैंग शैबी को फोन करके सतर्क रहने को कहता है, मगर शैबी उसे सीरियसली नहीं लेता। तो अगले ही पल हुन अपनी कार से शैबी की कार को जोर से टक्कर मारता है और टक्कर मारते जाता है, जिसमें शैबी बहुत घायल होता है। अब शैबी के आदमी हुन पे हमला करते हैं और उसे उसकी कार से बाहर खींच के बुरी तरह मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे सैंग आता है और हुन को उनके चुंगुल से बचाता है, मगर मौका देख के हुन वहाँ से भाग जाता है और अपने घर को आग लगा के बचे कुचे सबूत मिटा देता है। मगर एक सीसीटीवी कैमरा के जरिए उसका चेहरा पुलिस के सामने आता है। पुलिस हुन के घर पहुँचती है, मगर तब तक सब कुछ जल चुका होता है। चीफ चोई इन सब बातों का सैंग से जवाब मांगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सैंग को हुन के प्लान के बारे में पता था, तो वह उसे टेम्पररीली सस्पेंड करते हैं। मगर सैंग को खुद को पता नहीं होता कि हुन की अगली चाल क्या होगी। यहाँ जेल में शॉन एक हथियार बनाता है और चियोन पे हमला करता है, मगर चियोन भी कच्चा खिलाड़ी था नहीं, तो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों में काफी हाथापाई होती है, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल होते हैं। अब घायल हालत में दोनों को हॉस्पिटल लाया जाता है। सैंग हॉस्पिटल में जाके शॉन से मिलता है और उससे हुन के प्लान के बारे में पूछता है। अब शॉन उसे पूरी बात बताता है। वह बताता है कि शोक सभा में हुन ने आके उसे बताया कि उसे फंसाने के पीछे होई और शैबी का हाथ है। उन दोनों की वजह से ही वह फांसी चढ़ने वाला है। हुन एक आईटी अकाउंटेंट होने की वजह से उसने जान लिया कि शॉन को जेल में डालने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने होई से रिश्वत ली, जिसका पैसा एक अलग अकाउंट में डाला गया, और होई ने उसे शॉन ने किए हुए मर्डर के सब सबूत भी दिए। हुन वो बैंक रिकॉर्ड निकालता है। हुन प्रोसिक्यूटर से कहता है कि अगर यह बात मीडिया के सामने आई तो प्रोसिक्यूटर को भी शॉन के साथ जेल जाना पड़ेगा। तो वो प्रोसिक्यूटर को ब्लैकमेल करता है कि वो शॉन को उस जेल में शिफ्ट करे जिस जेल में चियोन है। इतना ही नहीं, हुन ने शॉन को उसकी माँ की शोक सभा के लिए उस प्रोसिक्यूटर के जरिए ही जेल से बाहर निकाला था। हुन शॉन को पूरे सबूत देता है कि कैसे उसने किए हुए मर्डर के सबूत अदालत के हाथ लगे, मगर अब शॉन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह डेथ पेनल्टी पे है। तो हुन उससे डील करता है कि वह उसका बदला लेगा। वह होई और शैबी को मारेगा और उसके बदले शॉन चियोन को मारे, क्योंकि दोनों एक ही जेल में है। शॉन फांसी पे चढ़ने के पहले डेस्परेटली अपना बदला लेना चाहता था, तो उसने हुन के डील को स्वीकार किया। शॉन सैंग से कहता है कि हुन चाहता था कि वह चियोन को इतना मारे कि वह अधमरा हो। यहाँ हुन फॉल्स फायर से हॉस्पिटल का फायर अलार्म ऑन करता है, जिससे हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है। बाहर चल रही भगदड़ का फायदा उठा के चियोन ड्यूटी पे लगे दो कांस्टेबल को मार के भागने की कोशिश करता है, मगर तभी सामने से हुन आके उसे शॉक चार्जर के जरिए बेहोश करता है। अलार्म सुन के सैंग चियोन की रूम की तरफ भागता है, तो वह हुन को चियोन को एक एम्बुलेंस से ले जाते हुए देखता है। अब सैंग हुन की एम्बुलेंस का पीछा करता है। दोनों के बीच में चेस शुरू होता है, मगर एक मोड़ पे हुन सैंग को झांसा दे देता है। अब सैंग समझ जाता है कि क्यों हुन ने शॉन से चियोन को अधमरा कर छोड़ने को बोला था, मार डालने को क्यों नहीं कहा, क्योंकि हुन चियोन को अपने हाथों से मारना चाहता है। सैंग जानता है कि हुन चियोन को कहाँ लेके गया होगा। पुलिस ने सैंग की कार में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया होता है, तो चीफ समझ जाते हैं कि सैंग कहाँ जा रहा है। यहाँ हुन चियोन को उसी डायमो पहाड़ी पे लेके आता है और उसे चाकू की नोक पे रख के उस जगह ले जाने बोलता है जहाँ उसने सुयुंग को दफन किया है। चियोन अभी भी वह जगह बताने को तैयार नहीं, तो हुन उसके पैर में चाकू भोंक देता है। चियोन समझ जाता है कि हुन के सर पे खून सवार है, तो वह उसे उस जगह ले जाने को तैयार होता है। दूसरी जगह पुलिस सुप्रीमो चीफ को आदेश देते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वह सैंग को शूट कर सकते हैं, मगर चीफ ऐसा कुछ करना नहीं चाहता। यहाँ चियोन हुन को लेके उस जगह आता है। हुन चियोन के हाथ शॉवेल देता है और उसे खोदने बोलता है, मगर जैसे ही गड्ढे में कुछ दिखाई देता है तो हुन इमोशनल हो जाता है और वही मौका देख के चियोन उस गड्ढे में से एक हथियार निकाल के जोर से हुन के सर पे मार देता है। हुन बुरी तरह घायल होके नीचे गिरता है। अब चियोन अपने हाथ पैर छुड़ा लेता है।
वह एक ड्रिल मशीन दिखा के हुन से कहता है कि इसी से उसने सुयुंग को मारा। हुन मरने के पहले उस जगह जाना चाहता है जहाँ उसकी सुयुंग को दफन किया है। अब चियोन उसे वो असली जगह बताता है। हुन रेंगते हुए उस जगह जाने की कोशिश करता है, मगर चियोन इतना हैवान है कि वह हुन के उस जगह पहुंचने के पहले ही उसके सर पे ब्रूटली मारता है। तभी वहां पे सैंग आ जाता है। वह उन दोनों को देखता है और हुन के पास दौड़ के चला जाता है। हुन मरने के पहले सैंग को वह जगह दिखाता है जिसके नीचे सुयुंग को दफन किया है। अब सैंग आग बबूला होके चियोन को पीटने लगता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और सैंग को गन पॉइंट पे रखती है। सैंग पत्थर से चियोन को मारने ही वाला होता है कि चीफ उसे रोकते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि वो पुलिस वाला है, उसे खूनी बनना शोभा नहीं देता। तो चियोन उसे भड़काने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि सुयुंग ने मरने से पहले कहा था कि उसका भाई पुलिस ऑफिसर है, तो जब उसे पता चलेगा तो वो तुम्हें मार देगा। चियोन सैंग से कहता है, तुम्हारी बहन को तुम पे इतना भरोसा था और तुम बुजदिल निकले। सैंग गुस्सा होके मारने के लिए पत्थर उठाता है, मगर पुलिस उसके हाथ पे गोली मार देती है। अब पुलिस चियोन को ले जाने लगती है कि तभी सैंग किसॉक की गन निकाल के चियोन को शूट करता है। चियोन ऑन द स्पॉट मरता है। दूसरे दिन पुलिस उस पूरे इलाके की छानबीन करती है तो उन्हें बाकी विक्टिम लड़कियों की लाशें मिलती है। मूवी के आखिर में हमें फ्लैशबैक में वह सीन दिखाई देता है जब हुन, सुयुंग और सैंग खुश थे। सैंग हुन और सुयुंग का फोटो निकालता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। इस फिल्म की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।